नमस्कार दोस्तों, आज हम हिमालय इस चैप्टर का अभ्यास करने वाले हैं। कवि कालिदास ने कुमार संभव नाम की काव्य की रचना की है और उसी में से ही कुछ श्लोकों का अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए, अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगादिराज पूर्वापरौ तोय निधि वगाय स्थित पृथिव्या एव मानदंड। अस्ति मतलब है उत्तर श्याम दिशि, उत्तर दिशा में, देवतात्मा देवता स्वरूप, हिमालय हिमालय, नाम मतलब नाम वाला, नगादि राज पर्वतों का राजा, मतलब पर्वतों का राजा हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है। पूर्वापरो तोय निधि, और वह जो हिमालय पूर्व और अपर, पूर्व पश्चिम के समुद्र में, तोय निधि समुद्र में वगाय घुसकर स्थित है। पृथिव्या इव मानदंड, और वो मानो ऐसे लगता है कि वो पृथ्वी का मापक है। मानदंड मतलब मापक या गहराई माप रहा है, ऐसे लगता है। अभी पूरे श्लोक का सरल अर्थ, उत्तर दिशा में देवताओं के स्वरूप हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है और वह हिमालय पूर्व और पश्चिम के समुद्र में घुसकर स्थित है और मानो ऐसे लगता है कि वो पृथ्वी की गहराई नाप रहा है। अनंतरत्न प्रभवस्य यस्य हिमम न सौभाग्य विलोपी जातम एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दोहो किरणेश्वी वांकः। अनंत रत्न प्रभोस्य, बहुत सारे रत्नों का निर्माता, यस्य जिसका, जिसका मतलब जिस हिमालय का, हिम मतलब बर्फ, न मतलब नहीं, सौभाग्य विलोपी मतलब सौंदर्य नष्ट होने का कारण, जातम हुआ, पूरे वाक्य का अर्थ कि बहुत सारे रत्नों का निर्माता जो हिमालय है, उस हिमालय की सुंदरता नष्ट होने का कारण बर्फ नहीं हुआ, क्योंकि एको ही दोष, केवल एक दोष होने पर, गुण सन्निपाते बहुत सारे गुणों का समूह होने पर, निमज्जति वह एक गुण नष्ट हो जाता है। जैसे इंदोह किरणेशु इव अंक, जिस तरह से चांद का जो धब्बा है, अंक मतलब दाग धब्बा, वह किरणों में छुप जाता है या लय हो जाता है। मतलब हिमालय बहुत सारे रत्नों का निर्माता है और इसलिए बहुत सुंदर है, और उस सुंदरता को ढकने का काम ये बर्फ करता है, फिर भी ये बर्फ उसकी सुंदरता नष्ट नहीं कर रहा है तो सुंदरता बढ़ा रहा है। उन्होंने एग्जांपल दिया कि बहुत सारे गुण होने पर एक बुरी आदत उसमें छिप जाती है, और उसके लिए एग्जांपल देते हैं कि चांद में जो काला दाग है, काला धब्बा है, वो उसके किरणों की वजह से छिप जाता है, यही इसमें समझाया है। आमेखलम संचरताम घनानाम छाया मदह सानुगताम निषेव्य उद्वेजिता वृष्टि भीराश्रयंते श्रृंगाणी यस्या तपवंती सिद्धाः। आम एकलम संचरताम, मतलब वो हिमालय इतना बड़ा है कि उसके बीच में से ही, आम एकलम मतलब हिमालय के बीच में से ही, संचरताम घनानाम छायाम, बीच में से घूमने वाली बादलों की छाया, और उस छाया के नीचे, अधः मतलब नीचे, सानुगताम उस पर्वत पर गई हुई, सानुगता मतलब पर्वत पर गई हुई जी छाया है, छाव है, निशव्य उसका सेवन करके, उद्वेजिता वृष्टि भी, उद्वेजिता मतलब दुखी, किससे दुखी, वृष्टि भी बारिश से, और बारिश से दुखी आश्रयते सहारा लेते, कौन सहारा लेते, वो लास्ट में बताया सिद्धा, सिद्धा मतलब ऋषि मुनि सहारा लेते, किसका सहारा लेते, श्रृंगानी शिखरों का, जो हिमालय के जो शिखर है उनका सहारा लेते हैं। वो शिखर कैसे हैं, यस्य, यस्य मतलब जिस हिमालय के शिखर, ऐसा उसका अर्थ करना है। आतपवंती, शिखर का विशेषण है आतपवंती, मतलब धूप से तपे हुए, ऐसे शिखरों का सिद्ध लोग सहारा लेते हैं। अभी पूरे श्लोक का अर्थ, बीच में से घूमने वाले बादलों की छाव के नीचे बारिश से परेशान होकर ऋषि मुनि धूप से तपे हुए चोटियों का सहारा लेते हैं। कपोल कंडुहु करिभीर विनेतुम विघट्टितानाम सरल द्रुमाणाम यत्र स्त्रुत क्षीरतया प्रसूत सानुनी गंध सुरभि करोति। इस श्लोक में हिमालय पर्वत पर जो वृक्ष है, पेड़ है, वो कितने सुगंधित है उनके बारे में बता रहे हैं। कपोल कंडुहु मतलब कनपट की खुजली, करीबी ही हाथियों के द्वारा, विनेतुम मिटाने के लिए, विघट्टितानाम घर्षण किए हुए सरल द्रुमानाम पेड़ों का, सरल द्रुमाना मतलब देवदारू नाम का पेड़ और उसका। अब पूरे लाइन का अर्थ,
कि हाथियों द्वारा उनकी कनपटी की खुजली मिटाने के लिए वो देवदारु नामक पेड़ को घर्षण करते घिसते हैं। और अब घिसने के बाद क्या होता है, यत्र स्त्रुत क्षीरतया प्रसूत सानुनी, मतलब यत्र मतलब जहाँ जहाँ मतलब जिस पर्वत पर स्त्रुत क्षीरतया जब वो एक लिक्विड बाहर निकलता है, वो दूध की तरह लिक्विड होता है, और वो लिक्विड के बाद प्रसूत निकला हुआ वो जो गंध है वो जो स्मेल है वह स्मेल क्या करता है, सानुनी सुरभि करो, सानु मतलब पर्वत की चोटियों को सुरभि करो सुगंधित करता है। पूरे श्लोक का सरल अर्थ, जब हाथी अपनी कनपटी खुजली मिटाने के लिए देवदारु नामक पेड़ को घर्षण करते घिसते तब उससे एक लिक्विड बाहर निकलता है दूध की तरह, और उस लिक्विड का जो गंध है जो स्मेल है उससे हिमालय के सभी चोटियाँ सुगंधित हो जाती है। दिवाकराद रक्षति यो गुहासु लीनम दिवा भीतिम इवा अंधकारम क्षुद्रे अपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्व उच्चैहि शिरसाम सतीव। इस श्लोक में हिमालय का बड़प्पन बताया गया है कि हिमालय कितना बड़ा है कितना श्रेष्ठ है। दिवाकराद रक्षति, सूरज से रक्षा करता है, दिवाकर मतलब सूरज, कौन रक्षा करता है, हिमालय रक्षा करता है, किसकी रक्षा करता है, यह गुहासुलीनम जो गुफाओं में छिपा हुआ है, कौन छिपा हुआ है, दिवा भीतिमिव अंधकारम दिन के कारण डरा हुआ अंधकार वो गुफाओं में छिपा हुआ है और उसकी रक्षा हिमालय करता है। क्यों करता है रक्षा, उसका कारण वो बता रहे, क्षुद्र अपि क्षुद्र होने पर भी सती इव, उसका अर्थ है सती मतलब होने पर भी, कौन होने पर भी, क्षुद्र नीच आदमी होने पर भी जब वो शरणम प्रपन्ने जब वो शरण जाता है बड़े आदमी का सहारा लेता है तब ममत्वम उस नीच आदमी के प्रति भी बड़े आदमियों का ममत्व प्यार निर्माण हो जाता है उत्पन्न हो जाता है। उच्च ही शिरसाम जो बड़े आदमी होते हैं उनका प्यार उत्पन्न हो जाता है और वो उसे बचा लेते हैं। उसी तरह से यहाँ समझाया गया है कि हिमालय इतना बड़ा है कि अंधकार और उस अंधकार यदि हिमालय के शरण में जाता है तो हिमालय उसकी रक्षा करता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हिमालय इतना बड़ा है कि उसकी गुफाओं में सूरज भी नहीं जा पाता है, सूरज की किरणें भी नहीं जा पाती है, यही यहाँ बताया गया है। इस तरह से हमने चैप्टर का स्पष्टीकरण कर लिया है, हमने प्रश्न उत्तर भी दिए हैं, आप वो देख लीजिए। धन्यवाद।